स्वागत है आप सबका एक और साइंटिफिक वीडियो में, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि ब्रेन और नर्वस संबंधी बीमारी हो या प्रोस्टेट, दिल और पाचन तंत्र की बीमारी, उन सब के लिए ब्रह्मचर्य को जिम्मेदार ठहराकर कुछ झूठे सेक्सोलॉजिस्ट ने युवाओं को डराने का प्रयास किया है। उसके पीछे फ्रॉयड साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके कारण आज की युवा पीढ़ी ये सोचकर व्यभिचार की ओर बढ़ने लगी है कि वे स्वस्थ और खुश रहेंगे। मगर सही विज्ञानियों का रिसर्च और उसका अनुसंधान करने से पता चलता है, अत्यधिक यौन उत्तेजना, ब्रह्मचर्य नाश व वीर नाश से आपके शरीर में सभी बीमारियों का आगमन हो जाता है, जैसे निरास्थेनिया, पागलपन, एपिलेप्सी और महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम, प्रोस्टेट, दिल और पाचन तंत्र में कैंसर या अन्य बीमारियां होती है। ये हमारा कोई व्यक्तिगत मत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत शोध हुए हैं और विज्ञानियों ने अपना क्लिनिकल ओपिनियन भी दिया है। आशा करते हैं आप बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। प्रोस्टेट कैंसर पश्चिमी दुनिया में सबसे आम पुरुष कैंसर है और फेफड़ों के कैंसर के बाद पुरुषों में कैंसर से होने वाली मौत का दूसरा सबसे आम कारण है। प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ने का संबंध उम्र, जेनेटिक्स, आहार, जीवन शैली, दवाएं और अन्य कारणों से है। अधिकांश स्टडी में पाया गया है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, विशेष रूप से गोनोरिया और सिफिलिस, अधिक सेक्सुअल पार्टनर से संबंध या हाई लेवल सेक्सुअल एक्टिविटी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को 40% तक बढ़ा सकती है। इस रिसर्च के मुख्य वैज्ञानिक हैं नंबर 1 आरवी हायेस और टीम। इसके ऊपर ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर वॉल्यूम 82 2000 में एक आर्टिकल छपी थी, जिसको कहते हैं सेक्सुअल बिहेवियर एसटीडीज एंड रिस्क फॉर प्रोस्टेट कैंसर। नंबर 2 के ए रोजनप्लैट और टीम। इसके ऊपर अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी वॉल्यूम 153 2001 में एक आर्टिकल छपी थी सेक्सुअल फैक्टर्स एंड द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। नंबर 3 एल के डेनिस एंड डी वी डेवसन। इसके ऊपर एपिडेमियोलॉजी वॉल्यूम 13 2002 में आर्टिकल छपी थी, जिसको कहते हैं मेटा एनालिसिस ऑफ मेजर्स ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी एंड प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर के मेडिकल विज्ञानी टीजी गिल्स और टीम ने 2003 में जो कहा था उसके ऊपर मीडिया हेडलाइंस और इंटरनेट में ये भ्रामक प्रचार फैल गया था कि मास्टरबेशन से प्रोस्टेट कैंसर से रक्षा होती है, जबकि उनके अंदर के रिसर्च में मास्टरबेशन के संबंध में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं कहा गया है। जीजी गिल्स और टीम के इस रिसर्च को बीजेयू इंटरनेशनल वॉल्यूम 92 2003 में आर्टिकल छपी थी, जिसको कहते हैं सेक्सुअल फैक्टर्स एंड प्रोस्टेट कैंसर। इस रिसर्च को बाकी विज्ञानी रिसर्च टीम जैसे एस ब्रोडी और आरटीडी ओलिवर ने भी समर्थन दिया था। दोस्तों, इस रिसर्च के आधार पर अब विचार किया जा सकता है कि विज्ञानियों के रिसर्च का गलत उपयोग करके मॉडर्न समाज में एक भ्रम ही फैलाया गया है, जिसके चपेट में आकर करोड़ों युवा अपने बहुमूल्य शरीर, योग्यता और जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अब जानते हैं कि किस प्रकार यौन उत्तेजना और ब्रह्मचर्य नाश से हमारे दिल का दिवाला उड़ जाता है। आपको इतनी मौलिक जानकारी अवश्य होगी कि हमारा दिल रक्त संचालन का मुख्य काम करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करके सबसे पहले ब्रेन में, उसके बाद पूरे शरीर में पहुंचा देता है। इस कार्य को करने के लिए हमारे दिल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, जिसको मॉडर्न विज्ञानी डॉक्टर डायमंड आदि लाइफ एनर्जी कहते हैं। अब आपके सामने एक रिसर्च का रेफरेंस है, हैवलॉक एलिस, साइकोलॉजी ऑफ सेक्स, न्यूयॉर्क, मेंटर, 1963। हैवलॉक एलिस ने कहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय हार्ट रेट डबल हो जाता है। उत्तेजना के साथ ऑर्गाज्म के कारण जो वैस्कुलर और मस्कुलर एक्साइटमेंट होता है, उससे दिल के ऊपर, खास करके पुरुषों के ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विभिन्न अंगों पर घाव, यहाँ तक कि प्लीहा का टूटना भी कभी कभी हुआ है। मैच्योर पुरुषों में रक्त धमनियां कभी कभी उच्च रक्तचाप का विरोध करने में असमर्थ हो जाती हैं और पैरालिसिस के साथ ब्रेन हेमरेज होता है। बुजुर्ग पुरुषों में जवान पत्नियों या वेश्याओं के साथ संभोग की उत्तेजना कभी कभी मौत का कारण भी बन जाती है। डॉक्टर एडविन फ्लैटो ने कहा है, संभोग में सबसे आवश्यक तत्वों और हार्मोन वाले महत्वपूर्ण तरल पदार्थों का नुकसान होता है। सेक्स व्यक्ति को कमजोर करता है और दिल पर दबाव डालता है। डेसलिंडस ने कहा है, संभोग के दौरान चेहरा लाल हो जाता है, गर्दन सूज जाती है, नसें भर जाती है, त्वचा जलने लगती है और पसीने से भीग जाती है। दिल तेजी से धड़कता है
और दिल की धड़कन एकदम धीमी हो जाती है। प्रोफेसर वॉन ग्रूवर ने बताया है कि अत्यधिक यौन उत्तेजना मेटाबॉलिज्म और विकास की प्रक्रिया पर हानिकारक प्रभाव डालकर शारीरिक और मानसिक विकास को रोकता है और हृदय गति रुकने का कारण बनकर मृत्यु को तेज कर देता है। दोस्तों, इसमें आपको विवाह के बारे में सोचकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी प्रकृति द्वारा सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए प्राप्त हुई है। अतः उस समय आप अपने शरीर की जीवनी शक्ति लगाकर एक नए जीवन को धरती पर ला रहे हैं। यहाँ तक सब ठीक है, मगर उसके अलावा इस शक्ति का दुरुपयोग आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से धीरे धीरे जरूर कमजोर करता है। इसलिए किंग्सफोर्ड ने द परफेक्ट वे में कहा है, वॉट एवर इज गिवेन टू द बॉडी विल बी टेकन फ्रॉम द सोल, अर्थात शरीर के भोग में शक्ति का दुरुपयोग आत्मा को मलिन करेगा। अब जानते हैं कि किस प्रकार यौन उत्तेजना और ब्रह्मचर्य नाश से हमारा पाचन तंत्र खराब होता है। अब तक लाखों युवा मंथनहब को रिपोर्ट कर चुके हैं कि अत्यधिक वीर्य नाश से उनका पाचन तंत्र खराब हो चुका है और समय पर पेट साफ भी नहीं होता है। दरअसल पेट में मौजूद पैनक्रियाज हार्मोन का काम है कब खाना हजम होना है और कब पेट खाली होना है, मगर पैनक्रियाज हार्मोन जब इस काम को ठीक से नहीं कर पाता है तो पेट की सारी समस्या शुरू हो जाती है। प्रोफेसर सर्ज वोनरफ और प्रोफेसर क्यूजन स्टेनाज ने कहा है, अत्यधिक वीरनाश से सेक्स हार्मोन और लाइफ एनर्जी की कमी होती है, जिसका हानिकारक प्रभाव शरीर के सभी ऑर्गन्स पर पड़ता है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी कारण से पैनक्रियाज हार्मोन की भी कमी होती है और हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड और पाचन तंत्र सही से काम करना बंद कर देते हैं। परिणाम ये होता है, युवाओं को ज्यादातर बदहजमी और कब्जियत की शिकायत रहती है। अब जानते हैं कि किस प्रकार यौन उत्तेजना और ब्रह्मचर्य नाश से मस्तिष्क और स्नायु तंत्र खराब होता है, मगर इस बात को छुपाकर लोगों को ये बोलकर मिसगाइड किया गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने से या ब्रह्मचर्य का पालन करने से अधिक मानसिक बीमारियां होती है। प्रोफेसर मस्कडे ने कहा है कि उनकी 47 ईयर्स की साइकेट्रिक प्रैक्टिस में उन्होंने एक भी ऐसा केस नहीं देखा है जिसको ब्रह्मचर्य से मानसिक बीमारी हुई हो। किसी भी उम्र में अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए सेक्सुअल फंक्शन की एक्सरसाइज आवश्यक है। इस बात को हचिंगसन ने एक भ्रम बताया है, क्योंकि मैच्योरिटी से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी हमेशा हानिकारक ही है। ग्रामर ने कहा है, शादी से पहले सेक्सुअल कॉन्टिनेंस कभी भी हानिकारक नहीं है। फिंकलर ने कहा है, युवाओं के लिए सेक्सुअल कॉन्टिनेंस अर्थात सेक्सुअल संयमता कभी भी हानिकारक नहीं है, जबकि यह मस्तिष्क और शरीर के लिए लाभदायी है। स्ट्रम्पेल ने कहा है, कॉन्टिनेंस व ब्रह्मचर्य अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के वेनरल इन्फेक्शन को रोकने में समर्थ है और कभी भी हानिकारक नहीं है। होचे ने कहा है कि सेक्सुअल कॉन्टिनेंस अर्थात ब्रह्मचर्य कभी भी हानिकारक नहीं है और कभी भी हस्तमैथुन के लिए प्रेरित नहीं करता है। अस्पेनबर्ग ने लिखा है, जो नर्वसनेस आदि बीमारियों से आक्रांत है, अगर उनके अंदर ये संस्कार डाल दिया जाता है कि अब्स्टिनेंस अर्थात सेक्सुअल एक्टिविटी से दूरी कभी भी हानिकारक नहीं है, ऐसे लोग भी सेक्सुअल कॉन्टिनेंस का पालन कर सकते हैं और कभी भी उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। मॉल ने कहा है, अभी के समय में लगभग सभी के सभी मेडिकल मैन इस बात पर एग्री करते हैं कि सेक्सुअल अब्स्टिनेंस अर्थात संयमता किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। अभी हम आपके सामने कुछ बड़े रिसर्चर्स, मेडिकल प्रोफेशनल और साइंटिस्ट का नाम दिखा रहे हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने रेफरेंस में रख सकते हैं, जिन्होंने दावा किया है और माना है कि सेक्सुअल कॉन्टिनेंस कभी भी हानिकारक नहीं है, बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है। उन लोगों के नाम है प्रोफेसर मोंटेगाजा, प्रोफेसर अल्फ्रेड फोर्नियर, प्रोफेसर टुबोयस, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोपैथोलॉजी एट पर्ने, प्रोफेसर फॉरविंगर, प्रोफेसर लिडस्टोन, प्रोफेसर ऑस्टरलिंग ऑफ टुबिंगन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर बिले ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ लंडन, द एमिनेंट गायनेकोलॉजिस्ट रिविंग, द ग्रेट अथॉरिटी एक्टन, द गायनेकोलॉजिस्ट हैगर, द एमिनेंट इंग्लिश अथॉरिटी ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ सेक्स मार्शल, डॉक्टर एल रविनविच, न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट फॉर्मरली प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी, द एमिनेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर स्पीचका, ऑल्सो वंस प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी, द न्यूयॉर्क गायनेकोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर बी एस थामले, प्रोफेसर सेजॉस, डीन ऑफ अमेरिकन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रूश ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा, प्रोफेसर ब्राउन सिक्वायर्ड, वर्ल्ड फेमस
physiologist and father of the science of endocrinology, and Dr. Dubois, neuropathologist and others. इन सबके रिसर्च में पाया गया है कि हमारे वीर्य और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की केमिस्ट्री एक जैसी है, क्योंकि वो जरूरी पदार्थ जैसे लेसिथिन, कोलेस्टेरिन और फॉस्फोरस वीर्य और नर्वस टिश्यू दोनों में पाए जाते हैं। जब रजवीर्य का नाश होता है, चाहे हस्तमैथुन हो, संभोग हो या अन्य कोई भी एक्टिविटी, अथवा तो आपकी इच्छा के विपरीत जैसे सपने में या किसी बीमारी के चलते, इस कारण से आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम को जरूरी पोषण नहीं मिलता है, जो अपने फंक्शन में कमजोर पड़ जाते हैं। ये समस्या बढ़ते बढ़ते इतनी भयानक हो जाती है कि न्यूरास्थेनिया, एपिलेप्सी या इनसेनिटी, जिसको पागलपन भी कहते हैं, आदि बीमारियां होती है। और पिछले 5 साल से इस तरह की समस्या वाले कई युवाओं ने हमें संपर्क भी किया है। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि अत्यधिक सेक्सुअल एक्टिविटी से सेक्सुअल न्यूरास्थेनिया अर्थात संभोग के बाद कई लोगों को बेहोशी आदि समस्या होती है, क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गाज्म नर्वस सिस्टम को तेजी से एग्जॉस्ट कर देता है। विज्ञानियों ने यह दावा किया है कि आज की युवा पीढ़ी बड़ी आसानी से संयमता में रह सकती है अगर सबको सही समय पर सही जानकारी मिले। दोस्तों, सही जानकारी तो हमने आपको दे दी है। अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि आज के जमाने में संयम और ब्रह्मचर्य में रहना संभव नहीं है, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि जिन्होंने भी ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो किया है, ऐसे लाखों युवाओं ने ब्रह्मचर्य का पालन करके ये साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। इसमें सफल होने के लिए आप थोड़ा धैर्य रखें और ये तीनों प्लेलिस्ट देखकर ब्रह्मचर्य का पालन करना आरंभ कर दें। ये तीनों प्लेलिस्ट हैं 50 गोल्डन वीडियोज, मंथनहब ब्रेन रीवेयर और ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल। सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल के साथ ब्रेन रीवेयर करके तुरंत अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन करने के लिए मंथनहब के ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।